उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। कानपुर के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वायरल फीवर और डेंगू से तमाम लोगों की मौत हो चुकी है और तमाम परिवार जो पलायन कर चुके हैं। अगर बात की जाए कानपुर के कुरसौली गांव में लगातार कहीं पर अर्थी उठ रही, कहीं पर तेरहवीं हो रही है। पूरी तरह से कुरसौली गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लगातार लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। रहस्यमय बुखार या डेंगू का डंक, अस्पताल कहर से लाचार, मचा हाहाकार, कुछ तो करो सरकार। यूपी में बदलते मौसम के बीच शहरों में कई बच्चे रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं। लखनऊ से फिरोजाबाद, मेरठ से कानपुर, हर जगह हाहाकार है। वायरल का खतरा युवा बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक पर मंडरा रहा है। अस्पताल के अंदर कोई रोता, कोई गिड़गिड़ाता तो कोई गुस्से में दिखाई पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों को इलाज की उम्मीद से अस्पताल ला रहे हैं। अस्पताल में जगह ना होने पर कई माता पिता सब्र रख रहे हैं तो कईयों की सब्र की सीमा भी टूट रही है। बीमार बच्चों को गोद में लिए यहाँ वहाँ भटकते माता पिता को देखते हुए कई अस्पताल के मेडिसिन विभाग में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे जो अभी तक 93 पॉजिटिव हमारे जनपद में है, जिसमें से 19 जुलाई से पहले के या कह मार्च से पहले के, जनवरी फरवरी मार्च के, उसके बाद के ये 73, 74 ये बाद के हैं, जिसमें से 3-4 गांव का ज्यादा वो है। जैसे 25 अकेले कुरसोली में ही है, 11 जो है अनूपपुरवा में है और 8 जो है भंडारा में है, या विदनू में 7-8 हैं, लेकिन वे हैं अलग अलग गाँव से, और ऐसी 15-20 जो हैं ये अर्बन में अलग अलग कॉलोनियों में। ये तो जहाँ भी होगा वहाँ सारी चीजें होगी। अब आप देख रहे होंगे कि सारी वो चाहे सोर्स रिडक्शन हो या वो हो, सब लगे हुए हैं। वहीं बुखार और डेंगू के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में पहुंच रही हैं, गांव-गांव में कैंप लगा रही हैं, जगह जगह प्रशासन फॉगिंग भी करवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद घरों में ताले लटक गए हैं। बीमारी के खौफ की वजह से कई गांव के लोग गांव छोड़कर जाने को मजबूर हैं। बीमारी इतनी तेज चल रही है, औरतें और लड़कियां मर रही हैं, इसलिए तो गांव छोड़ भाग रही हैं औरतें। ये बीमारी के लिए जा रहे हैं, अब बीमारी का कोई ये बता नहीं रहा जानकर कि कौन सी बीमारियां हैं, और ये बीमारी छोड़ करके वो जा रहे हैं। ये जो थे भैंस है वो भी भागे जा रहे हैं। जांचें हो रही हैं दादा? जांचें हो रही हैं, लेकिन जांचें की रिपोर्ट नहीं मिल रही। बुखार के प्रकोप के चलते बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से फिरोजाबाद समेत आसपास के सभी इलाकों में बड़े स्तर पर डेंगू पर लगाम लगाने के उपाय किए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम के साथ साथ सफाई कर्मियों को भी गांव में बड़े अभियान पर लगाया गया है, जो घर घर जाकर सभी नाले और सभी गंदी जगहों पर दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि मच्छर के लार्वा को इकट्ठा होने से रोका जा सके। बात की जाए अगर आंकड़ों की तो अब तक की करीब 52 लोगों की मौत हो चुकी है और 103 एक्टिव केस हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की उन ग्रामीण क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं, जिन क्षेत्रों में लगातार वायरल और डेंगू के अधिक केस निकल रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम कितना कारगर साबित करती है। कानपुर से कमलेश कुमार, खबर।